भगवा वस्त्र पहने हिंदू संतों को घसीटा जा रहा है। माथे पर तिलक है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सत्ता में उनकी भी लाज नहीं रखी जा रही। मुख पर जिनके राधे कृष्ण हैं, उनको सरेआम धक्के मारे जा रहे हैं। मुल्क में हिंदुओं को डराया जा रहा है। हिंदू और अल्पसंख्यक बेटियों की आबरू अब खतरे में है। साधु संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सड़कों पर कट्टर विचारधारा के हिंदुओं को डरा रहे हैं। लेकिन आज दुनिया के वो सब बुद्धिजीवी संगठन गूंगे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं, जो ये कहते नहीं थकते थे कि इस्लाम खतरे में है। भारत पर ज्ञान देने वाला 57 सदस्य वाला वो इस्लामिक संगठन OIC भी मौन है, जो इंसानियत की बात करता नहीं थकता। तो आज ये चुप्पी क्यों? बांग्लादेश में शेख हसीना को षड्यंत्र के तहत मुल्क से भागने पर मजबूर किया गया। मोहम्मद यूनुस सत्ता में बैठ गए, लेकिन अब वो उस काबिल नहीं है कि उन्हें हम राष्ट्र अध्यक्ष कह सकें। उन्हें अब शर्म भी नहीं आती। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर उपद्रवियों का तांडव जारी है। ऐसा लग रहा है मानो मोहम्मद यूनुस ने उपद्रवियों को खुली छूट दे दी कि जाओ हिंदुओं और उनके घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और मंदिरों पर हमले करो, उनका नामो निशान मिटा दो। वो हिंदुओं को लाठी डंडों और हथियारों से मार रहे हैं और गली गली उनको खोज रहे हैं। ये नजारा आपके आंखों में आंसू ला देगा, दिल में एक टीस छोड़ देगा। बता दें कि बांग्लादेश की सरकार ने जिस चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया है, उनको अपने सहायकों और वकीलों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। पूरे दिन हिंदू साधु से मुलाकात और उन तक प्रसाद दवाएं पहुंचाने के लिए उनके सहायक वकील भटकते रहे। सोचिए, उन तक न दवाएं पहुंचाई जा रही है, ना ही वो प्रसाद जो वो रोजाना भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। जी हाँ, सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो भी यहाँ मोहम्मद यूनुस की सरकार संत तक नहीं पहुंचा रही है। उनकी सेहत और मौजूदा स्थिति को लेकर पूरे विश्व भर में भारी चिंता है। भारत में भी चिन्मय दास की गिरफ्तारी से उबाल है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों सहित कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्हें कोर्ट ने जमानत देने से भी मना कर दिया। भारत ने आंखें दिखाई तो बेशर्मी से बांग्लादेश की सरकार हिंदू संत की गिरफ्तारी को सही ठहराने में लग गई। लेकिन अब हदें पार हो चुकी है। मोहम्मद यूनुस के चमचे और उनके पाले हुए उपद्रवी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं को घेर घेर कर मार रहे हैं। गलियों, सड़कों और चौराहों पर उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश के यूनुस सरकार खामोश है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने मन में बैठी नफरत को उड़ेल कर रख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है मानो सनातनी अल्पसंख्यक उनके दुश्मन हैं, वो इंसान ही नहीं है। बहरहाल, मोहम्मद यूनुस से इंसानियत की उम्मीद करना मूर्खता है। आज बांग्लादेश में गली गली में तांडव नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मोहम्मद यूनुस अपनी गद्दी छोड़ने से पहले, जेल की चार दीवारों में जाने से पहले अपने ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। जी हाँ, अब यूनुस को सबक एक हिंदू बेटी ही सिखाएगी। अब उनको उनकी हैसियत जल्द पता चलेगी। आइए इस खबर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है एचसीएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदू असहाय होकर मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन धार्मिक आधार पर कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों पर कहर बरसा रहा है। इस्कॉन के हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास को बीते 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। संत को सरेआम बांग्लादेश की सड़कों पर गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मंगलवार को चटगांव के कोर्ट में जमानत तक नहीं मिली। जज काजी नजरुल इस्लाम ने कथित देशद्रोह के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। उन पर बांग्लादेश के झंडे का अपमान करने का आरोप बनाया गया है। वहीं बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी के समय पुलिस वैन में हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी ने भी दहाड़ा और कहा कि हम सनातनी एक अखंड बांग्लादेश चाहते हैं। बता दें कि भारत ने बांग्लादेश में हिंदू नेता चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने कहा, बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में इस्कॉन को ही प्रतिबंधित करने की याचिका दंडाई गई है, जो वाकई ये दर्शाता है कि कैसे हिंदुओं से नफरत की आग में बांग्लादेश अभी जल रहा है। अब आपको बता दें कि बांग्लादेश हाईकोर्ट में बुधवार 27 नवंबर को इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में संस्था पर बैन लगाने के साथ ही चटगांव में इमरजेंसी घोषित करने की भी मांग हुई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर दिया है। ये देखिए, ये है बांग्लादेश का दोहरा चरित्र। बहरहाल, बीते 24 घंटों में हिंदुओं के सैकड़ों घरों, प्रतिष्ठानों और मंदिरों को तोड़ डाला गया है। हिंदुओं पर डंडे बरसाए गए हैं, उनके घरों और दुकानों में आग लगाई गई है। बहन बेटियों और महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस इसे रोक नहीं पा रहे, और यह सिर्फ नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स कह रहा है। बांग्लादेश के पुलिस और प्रशासन ने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध रही है, या यूं कहें कि बहरी भी हो गई।
लेकिन शायद मोहम्मद यूनुस ये भूल गए हैं कि उनकी छुट्टी अब बहुत जल्द होने वाली है। आज भारत को जवाब दे रहे हैं। भारत जहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर आवाज उठा रहा है वो बेबुनियाद बता रहे हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि बांग्लादेश के इस कठपुतली सरकार को नींद से जगा देना चाहिए। मोहम्मद यूनुस ना भूले कि उनके और 61 अन्य के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत यानी ICC में शिकायत दर्ज हो चुकी है, इलाज भी हो जाएगा। मानवाधिकार के चैंपियन बाइडेन के प्यादे मोहम्मद यूनुस की अकड़ अब भारत से प्रभावित हिंदू बेटी तोड़े। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप नए साल की शुरुआत में 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। ट्रंप 2.0 में हिंदू बेटी तुलसी गबार्ड को अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के पद के लिए चुना गया है। ऐसे में अब हिंदू बेटी तुलसी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को निशाने पर ले लिया। अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसी की नई चीफ तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर कई बार स्पष्ट रूप से कड़ा रुख रखा है, वो भी एक्शन मोड में। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे करीबी दोस्त मानने वाले डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं, वो भी मोहम्मद यूनुस को बर्बाद कर देंगे। बहरहाल फिलहाल जो बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर आपकी भी राय होगी। कमेंट खुला है, राय देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए CNews। धन्यवाद।